Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th, chapter 9, application of trigonometry. From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of flagstaff from P is 45 degree. Find the length of flagstaff and the distance of the building from the point P. So, ये हमें ए बी एक बिल्डिंग है और ए बी बिल्डिंग की जो हाइट दी हुई है वो दी हुई है 10 मीटर, तो ए बी हो गया 10 मीटर. दिस इज 10 मीटर राइट. ए पी हमें फाइंड करना है, इसको ले लेते हैं एक्स, ठीक है. और फ्लैग की जो फ्लैग है उसकी भी हमें लेंथ निकालनी है, तो ये जो बी डी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ले लेते हैं एच. तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, एच प्लस 10, ठीक है. मतलब ए बी हमें गिवन है 10 मीटर, डी बी हमने लेट किया है एच, और ए डी हो गया एच प्लस 10 राइट. सो सबसे पहले हम लेंगे जिस ट्राइंगल के अंदर 45 डिग्री एंगल है. बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी 45 डिग्री एंगल गिवन होता है तो वही वाला ट्राइंगल हमें सबसे पहले लेना चाहिए, उससे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है. तो हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल पी ए डी राइट. सो 10 45 दैट इज इक्वल टू, ये पूरा एंगल 45 है, ठीक है. तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन पी ए, और 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, होती है 1. तो 1 इज इक्वल टू हो गया, ए डी कितना है, ए डी है h प्लस 10 और पी ए कितना है x. तो x इज इक्वल टू आ गया h प्लस 10. ये एक रिजल्ट आ गया हमारे पास, ठीक है. इस रिजल्ट को हम बाद में यूज करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं. अब हमने लेना है इन ट्राइंगल पी ए बी, छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, इसमें हम लगाएंगे 10 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन एक्स. 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, दैट इज 10 अपॉन एक्स. तो एक्स की वैल्यू आ गई 10√3, ये हमारी आ गई पी ए इज इक्वल टू 10√3, और ये भी हमें फाइंड करना था, तो एक आंसर हमारे पास ये आ गया, ठीक है. और इस पी ए की वैल्यू को इसमें डाल देते हैं क्योंकि हमें एच पी फाइंड करना है. तो 10√3 इज इक्वल टू एच प्लस 10. सो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10√3 माइनस 10, और 10 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया √3 माइनस 1. तो ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, और अगर √3 की वैल्यू डालते हो तो ये हो जाएगा 10 1.732 माइनस 1, और इसके इज इक्वल टू आ जाएगा 7.32 मीटर. ये आंसर भी सही है, इसके आगे मीटर लिख दो, और ये आंसर भी सही है, कोई भी लिख सकते हो. ये एक आंसर हो गया, ये हमारा, ये हो गई हमारी हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेफ, सॉरी लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेफ, ठीक है. और ये हो गया कि जो डिस्टेंस है बिल्डिंग का उस पॉइंट से, ये हो गया हमारा आंसर पी ए. होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. ऑल द बेस्ट.